नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। एनवीएस की तरफ से अगर देखा जाए तो लैब अटेंडेंट की बहुत बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने दोबारा आ गई है वर्ष 2022 के बाद एक बार पुनः। पिछली बार देखा जाए तो लगभग 142 पदों पे वैकेंसी थी, इस बार 161 पदों पे वैकेंसी है। बट आपका सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर पाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, रिलैक्सेशन इसमें क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एज काउंट होगा किस डेट से काउंट होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, ये सारी ही जानकारी आपको अगले 4-5 मिनट में इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी भी करा रही है, जो मात्र 699 रुपए में कंप्लीट बैच है। वो ईएमआरएस लैब अटेंडेंट की बात करें या एनवीएस लैब अटेंडेंट की बात करें, दोनों ही सिमिलर टाइप के पोस्ट हैं, सेम आपकी क्राइटेरिया है, सेम आपका सिलेबस है, सेम पैटर्न और सेम टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, क्योंकि दोनों चीजें आपकी क्या हो रही हैं, साथ चल रही हैं। तो फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, ये सारी चीजें मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि हम लोग जो यहां पे अगर वैकेंसी की बात किया जाए एनवीएस की तरफ से, यहां पे एनवीएस की तरफ से लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है ग्रुप सी की है, और इसमें जो पोस्ट कोड 12 है, टोटल वैकेंसी 160 है। आप देख सकते हो अनरिजर्व में 76, ईडब्ल्यूएस में 16, ओबीसी में 31, एससी में 28, एसटी में 10 और ईएसएम में 16 पद इस बार आपके आए हैं, जबकि वही पिछली बार 142 था। तो पिछली बार से इस बार देखा जाए तो 19 से 20 पद कहीं ना कहीं क्या है, ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यहां पे अगर देखा जाए तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल दिया हुआ है, जिसमें पे लेवल है लेवल 2 का 18,000 से 56,900, मतलब कि जो आपकी इनहैंड सैलरी पहली सैलरी बनेगी वो 29 से 30,000 के बीच में बनेगी। क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो 10th आप किए हो, और 10th के साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। अभी आप चिंतित हो जाओगे कि ये तो मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आप 12th किए हो तो भी आप एलिजिबल हो। बट आप 12th किससे किए हो, आप पीसीबी से किए हो या फिर आप पीसीएम से किए हो, तो भी आप क्या हो जाओगे, तो भी एलिजिबल हो जाओगे। बस साइंस साइड से आपका क्या होता है, साइंस साइड से आपका 12th होना चाहिए और आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। बहुत ही बेहतरीन पद है, और याद रखना इसमें कि जो आपका एज काउंट करने की डेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अभी एनवीएस ने ये बोला है कि अभी हम आपका अप्लाई जो फॉर्म भरने की डेट है उसे अभी नहीं जारी कर रहे, उसे बाद में जारी करेंगे, और जब जारी होगा फॉर्म भरने की डेट, उसकी जो क्लोजिंग डेट होगी, सबसे लास्ट डेट होगी जिस दिन फॉर्म फिलिंग बंद हो रहा होगा, उस दिन अगर आप मैक्सिमम 30 साल के या मिनिमम 18 साल के हो तो आप इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी रिलैक्सेशन जैसे सबको मिलता है, जैसे एससी एसटी के 5 साल है, ओबीसी का 3 साल है, ऐसे रिलैक्सेशन और बाकी पीडब्ल्यूडी जो भी हैं उनके रिलैक्सेशन आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन में इसमें आपका सिंगल पेपर होगा, उसके बाद सीधा डीबी और मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत आसान होता है और उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है अलग से। डीबी भी आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसकी वीडियो में आपको अलग से बना दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि भले ही फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, फॉर्म अभी भरना शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी ना शुरू करो, बाद के लिए रखोगे तो बाद में पछताते रहोगे। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ईएमआरएस में भी आपका देखा जाए तो लैब अटेंडेंट और एनवीएस में भी लैब अटेंडेंट दोनों पदों को जोड़ लो तो लगभग 400-450 पद आपके जाएंगे। तो ये आप मत सोचो कि केवल 100 यहां पे 61 पद हैं, आप ये सोचो कि एक ही तैयारी में आप दो जगह एग्जाम दे रहे हो, सेम आपका क्राइटेरिया है, सेम आपका पैटर्न है, सेम आपका सिलेबस है, तो एक ही तैयारी में अगर एक तीर से दो निशाना लग रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं आपके लिए। अभी देखा जाए तो यहां पे 60 नंबर आपका नॉन साइंस पार्ट से आता है और 60 नंबर आपका साइंस पार्ट से आता है। साइंस का भी मैं आपको बता दे रहा हूं, नॉन साइंस में 15 रीजनिंग, 15 जीए, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश, तो 15-15-15 करके 4 सेगमेंट ये होते हैं और 5वां सेगमेंट आपका साइंस होता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके साथ ही आपके लैब इक्विपमेंट, लैब वर्क के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि लैब इक्विपमेंट, लैब वर्क के इसमें क्या पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है आपका, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो ये जो सिलेबस है बेटा, ये लैब अटेंडेंट का, ये मैंने ईएमआरएस से निकाला है क्योंकि एनवीएस ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट ये 99.999% आपका सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि ईएमआरएस और एनवीएस की कोई भी चीज आपकी क्या है, डिफरेंट नहीं है, और सेम टाइप में आपका क्या रहेगा, पैटर्न भी रहेगा और सिलेबस भी रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में देख लें तो नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, या आप ऐसे समझो कि लैब अटेंडेंट होते कौन है, आप स्कूल में देखते हो कि हर स्कूल में एक लेबोरेटरी होती है, हर स्कूल में क्या होते हैं, जहां पे आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, और वहां पे क्या होते हैं, एक जो आपके टीचर, जो क्लास टीचर होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कराने जाते हैं, लेकिन उनके साथ उस लैब में मौजूद एक लैब अटेंडेंट होते हैं जो सारे सामान का रखरखाव रखते हैं, सारे जो केमिकल्स हैं वो कहां पे रखते हैं, कहां पे होना चाहिए, कैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में
प्रोडक्टिव मेजर्स हैं उनको देखना चाहिए। वो सारा जो काम होता है वो लैब अटेंडेंट का काम होता है। एक बहुत अच्छा पद है, रेपुटेटेड जॉब है, भले ही ग्रुप सी है, बट ये ऐसी वैकेंसी ग्रुप सी की है जिसमें आपको इज्जत जो मिलती है वो टीजीटी पीजीटी वाली इज्जत मिलती है। इस कारण से ये बहुत अच्छी जॉब बन जाती है और इसमें आपको ना पढ़ाना है ना कुछ करना है, केवल आपको बस एक जो लेबोरेटरी है जो जहां पे एक्सपेरिमेंट होता है वहां पे बैठे रहना है और सामान का रखरखाव करना है। जब बच्चे आएंगे, टीचर आएगा तो उनको वो सामान असिस्ट करना है, बस आपका ये काम होगा। इसीलिए लैब वर्क के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो उसमें इक्विपमेंट लगते हैं जैसे फ्लास्क हो गया, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, जैसे बर्नर हो गया, जैसे आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल जो होते हैं जैसे केमेनोफोर हो गया, टाइट्रेशन जिससे होता है वो कौन सा केमिकल है, इन सारे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल कि अगर कहीं एसिड गिर जाता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, आग लग जाए तुरंत क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें, या किसी को घाव लग जाए तब क्या करना चाहिए, ये आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन होते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल जैसे क्या बोला था, ब्लू विट्रॉल किसे बोला जाता है, जिसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा किसे बोला जाता है, बेकिंग सोडा किसे बोला जाता है, तो ये सारे केमिकल नेम और उनके क्या होते हैं कॉमन नेम सबसे पूछा जाएगा, साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड कॉमनली यूज्ड इन लैब, जो डिफरेंट टाइप की जो क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं, जैसे आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए, जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है, जैसे टाइट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो ऐसे सारे आपके डिफरेंट प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, टेक्निक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, मतलब कि आपका पीसीएम से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी रीजनिंग वगैरह का आप देख लीजिएगा। पिछली बार का अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो पिछली बार की कट ऑफ जो जनरल की गई थी 69 पॉइंट अगर देखा जाए तो 69 था, ऐसे ही ओबीसी की भी सेम थी, एससी की ज्यादा गई थी क्योंकि यहां पे पद कम थे, अगर पद किसी भी कैटेगरी में कम होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा कट ऑफ बढ़ जाएगा। एसटी की भी 76.76 थी, ये पिछली बार का क्या था कट ऑफ था। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपका भले ही फॉर्म फिलिंग चालू नहीं हुआ है बट आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन एक लिमिटेड ऑफर के साथ 699 बैच लाई है और ये बैच आपका वो चाहे ईएमआरएस के लैब अटेंडेंट के बच्चों चाहे एनबीएस के दोनों के लिए बहुत समान रूप से उपयोगी है। इसलिए आप दोनों तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। इसमें आपको सारे लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल, सारे बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में और वैलिडिटी टिल एग्जाम और इसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, नोट्स सब कुछ आपको मिलने वाला है, ए टू जेड आपकी तैयारी कराई जाएगी और बहुत विधिवत तैयारी कराई जाएगी। इससे पूर्व में भी एनवीएस के पुराने बैच को उठा लो या फिर ईएमआरएस के पुराने बैच को उठा लो, टीम परीक्षा प्लस सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली टीम है और इस बार भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि टीम परीक्षा प्लस सर्वाधिक सिलेक्शन कराने वाली टीम होगी। उम्मीद है कि आप लोग बैच से भी जुड़ोगे और आपके बहुत सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए हैं एनबीएस के लैब अटेंडेंट को लेके। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपने डाउट्स वहां पे क्लियर कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स को यहां पे जवाब दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट कमेंट करके रिप्लाई करके या फिर आपका वीडियो के माध्यम से। और इस कोर्स अगर आपको जुड़ना है तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया है वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ऐप डाउनलोड किए हैं तो बस आप ऐप ओपन करिए, पेड कोर्सेज में जाइए, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है तैयारी करने का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी अभी से अपने स्टार्ट कर दोगे और अपना एक भी सेकंड गवाओगे नहीं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।